दोस्त होंडा ड्रीम योगा। ये गाड़ी का नाम है और ये गाड़ी का जो कॉलम था आज मैं थोड़ा आपको अलग से बताने जा रहा हूँ। मैं जैसे आपको ये गाड़ी का क्लच लीवर एओ क्लच केबल अगर नहीं मिल रहा है तो आप इसमें कौन से गाड़ी का यूज कर सकते हो। अगर आप गाड़ी को समझ लो यूज करना है, गाड़ी बहुत टाइम तक रखना है तो समझ लो आपको कोई भी पार्ट इसका जल्दी नहीं मिल रहा है तो आप कौन से गाड़ी किसको लगाओगे कि आपको इजी से वो पार्ट मिल जाना चाहिए। कोई भी दुकान में अगर जाओगे बाइक के तो अभी ये जो गाड़ी का है मैंने, क्योंकि ये गाड़ी का लीवर और एओ दोनों टूटा हुआ था तो मैंने इसमें सुपर स्प्लेंडर जो फैशन है वो गाड़ी का लगता है, लेटेस्ट गाड़ी का, ओल्ड वाली गाड़ी नहीं लगेगा। तो आप उसका लीवर योक आप क्लच केबल अगर यूज़ करोगे तो आपको नेक्स्ट टाइम में प्रॉब्लम नहीं आएगा, इसमें इजी से बैठ जाता है। खाली इसमें क्या आपको रहता है ये देखिए, यहाँ एक स्विच लगता है जो क्लच का रहता है, क्लच दबाने के बाद जो सेल्फ स्टार्ट होता है उसका यहाँ स्विच लगता है। इधर कैसे, इधर आप कुछ भी नहीं लगाओगे तो चलता है क्योंकि इसमें सेल्फ स्टार्ट गाड़ी नहीं है। तो आप ये गाड़ी का यूज कर सकते हो सुपर स्प्लेंडर पैशन का। वापस रिपीट कर रहा हूँ, लीवर योक और ये केबल, ये तीन चीज़ आप डालोगे नेक्स्ट टाइम आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी आपको बता दिया क्लच का, अभी आपको बता दे रहा हूँ जैसे ब्रेक का, उसी जो स्टेप बताया आपको क्लच का उसी टाइप ये भी जो ना मैंने पूरा चेंज कर दिया हूँ। ये लीवर है, योक है और ये ब्रेक केबल, ये तीनों चीज़ डाल दिया हूँ तो कस्टमर को नेक्स्ट टाइम में प्रॉब्लम नहीं आएगा क्योंकि ये सामान इजी से आप कोई भी दुकान में ले सकते हो बाइक का, क्योंकि सुपर स्प्लेंडर पैशन का इजी से मिल जाता है, ये गाड़ी का नहीं मिलता है, गाड़ी प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए मैं वीडियो आपको बता रहा हूँ, आप इजी से हमारे वीडियो थ्रू से आप काम कर सकते हो। अभी आपको ये भी बता दे रहा हूँ, देखो फिटिंग के अंदर जैसे कोई भी फिटिंग आप करने जाओ जैसे मैंने बताया फिटिंग में कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। देखो यही जहाँ से बैठ जाता है बराबर परफेक्ट हो जाए लग जाता है, क्योंकि आप सोचोगे कि हमने बता दिए कि फिटिंग नहीं होगा, 100% आपको प्रॉब्लम गाड़ी के अंदर भी नहीं होगा, फिटिंग भी प्रॉब्लम नहीं होगा। एक तो आपको ब्रेक का बता दे रहा हूँ मैं, अब ये क्लच का बता रहा हूँ मैं, अब ये देख लीजिए मैंने आपको ब्रेक बताया था, अब ये क्लच का बता रहा हूँ। क्लच का देख लीजिए परफेक्ट फिटिंग हुआ है, फिटिंग में कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ है, आप इसी तरीका फिटिंग कर सकते हो जो मैंने बताया हूँ। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन घंटी दबाओगे नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास इजी से पहुँच जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी।